प्रेमनगर विधानसभा में लंबे इंतजार के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने जहां प्रेमनगर से भूलन सिंह को 2 महीने पहले ही अपना टिकट दे दिया, वहीं कांग्रेस ने कल शाम को वर्तमान विधायक और सीनियर नेता खेलसाय सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। खेलसाय सिंह का नाम सामने आने के बाद भाजपा के प्रत्याशी भूलन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए खेलसाय सिंह की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि खेलसाय सिंह पूरे समय विधायक बनने के बाद अपने घर या रायपुर में रहते हैं, चुनाव के समय जनता के बीच आ जाते हैं, यहाँ की जनता का कोई काम नहीं होता। भूलन जी, आपको 2 महीना लगभग हो गया टिकट मिले हुए, क्षेत्र में कैसी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला संगठन और विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर की सारे जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। जाने के बाद गांव-गांव में इतना जनसलाब सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। इस बार पूरे परिवर्तन के लहर में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल तैयार है कि सभी जगह जाते हैं और अपार भीड़ जनसमूह है। बुलंद जी, कल कांग्रेस पार्टी ने प्रेमनगर विधानसभा से सिर्फ खेलसाय सिंह जी को फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, आप सिर्फ खेलसाय सिंह जी को कैसे देखते हैं? खेलसाय जी सामान्य व्यक्ति हैं, विधायक भी थे, सांसद भी थे। अब तो ऐसा स्थिति उनका आ गया है कि चुनाव जीतने के बाद वो पूरे गाँव में रहते हैं, रायपुर रहते हैं, बिस्तर में रहते हैं, कभी जनता के बीच में कभी नहीं गए। जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कांग्रेस के विधायक खेलसाय जी ने गाँव में कभी आते हैं ना कभी गाँव का कोई विकास करा रहे हैं, विकास के काम ठप है गांव में, न तो किसी प्रकार का कोई काम मिल रहा। आज यहां से प्रेमनगर विधानसभा से प्लान कर रहे हैं काम करने के लिए, ऐसा क्षेत्र में जाने से मिल रहा है। और जहां जहां जा रहे हैं वहां का रोड इतना गड्ढा है, उबड़ खाबड़ है, कहीं पर विकास का नाम नहीं दिख रहा है। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता इस बार बलदाव के रूप में है और निश्चित है कि इस बार बलदाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप को विजय बनाएंगे। जनता का अपार समर्थन इस बार मुझे मिल रहा है। बुलंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी हैं, कौन से मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आप मुद्दा उनके सामने रखा है? देखिए, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भूपेश जी हैं और यहाँ क्षेत्र प्रेमनगर विधानसभा का खेलसाय जी विधायक हैं वर्तमान में। विधायक जी का निष्कर्षता के कारण आज क्षेत्र में न कहीं पर रोड बना है, न कहीं पर पुलिया बना है, न कहीं पर कुछ काम नहीं हो पाया है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जो काम है, हर घर में मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना बनना था, वो भूपेश सरकार के द्वारा रोक दिया गया। आज भी गांव-गांव में घर अधूरे पड़े हुए हैं, किसी का घर पूर्ण नहीं हो पाया है, न तो किसी का घर प्लस्तर नहीं हो पाया है। ये बहुत सारा मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर के हम जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता अपार समर्थन दे रहा है। और इस बार प्रेमनगर विधानसभा से निश्चित है बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। निश्चित है हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनती है तो हम सारे जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना है उस योजना को लेकर के और गांव-गांव में घर-घर में जाएंगे और उस योजना को पूर्ण कराएंगे। मैं ये वादा करता हूं कि सारी काम पूर्ण होगा।